शिवाय, जय श्री रामचंद्र। आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह, हमारी जीवन धारा, ग्रहों के राजा सूर्य देव के बारे में। और वह सूर्य देव हमारे शरीर के भीतर भी विद्यमान है, सूर्य नाड़ी के रूप में, सूर्य नाड़ी के स्थान पर। हम जब चाहें उनकी ऊर्जा का प्रयोग अनेक कार्यों के संपन्न होने के लिए कर सकते हैं, अनेक कार्यों की सिद्धि के लिए कर सकते हैं। लेकिन सूर्य देव से काम करवाना कोई आसान तो ना होगा, सूर्य देव को वश में करना आसान तो ना होगा, इसके लिए जरूर कुछ साधना करनी होगी। तो पहले आकर ये समझ लेते हैं कि स्वर को बदला कैसे जाए, फिर हम चर्चा करेंगे कि सूर्य नाड़ी के, सूर्य स्वर के लाभ क्या हैं और किस तरह से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको यह समझ नहीं आएगा कि सूर्य और चंद्र स्वर को परिवर्तित कैसे किया जाए, चंद्र से सूर्य और सूर्य से चंद्र स्वर, या दोनों से मध्य स्वर यानी कि सुषुम्ना नाड़ी में कैसे आया जाए, तब तक आप इस विषय को धुंधला धुंधला ही समझ पाएंगे। जब ये एक बार स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से हम स्वर को बदल सकते हैं, उसकी कुछ विधियां हैं आपको मैं अभी बताता हूँ, और उसके बाद हम फिर दोबारा चर्चा करेंगे कि सूर्य नाड़ी के लाभ क्या है। कमर सीधी करके बैठे और स्वर को चेक कर लें, कौन सा स्वर जागृत है। जिस स्वर को आप बदलना चाहते हैं उस स्वर को ऊपर की ओर रखें जिसको आप खोलना चाहते हैं, और खुले स्वर को नीचे की ओर रखें। जैसे मेरा अभी बायां स्वर खुला है, दायां स्वर बंद है, तो मैं दायां स्वर को खोलने के लिए बाईं ओर झुका हूं। और लंबी गहरी सांस लेनी है आपने, और इसी प्रकार से अपने कान को कंधे के पास लाने का प्रयास करें तो आप दूसरी तरफ से भी अपने स्वर को बदल पाएंगे। लंबी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है, लंबी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है, बस यही अभ्यास करना है। और दोनों नासिकाओं से लंबी श्वास लें और छोड़ दें। दूसरी विधि जो कि सब एक बार स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से हम स्वर को बदल सकते हैं, उसकी कुछ विधियां आपको मैं अभी बताता हूँ, और उसके बाद हम फिर दोबारा चर्चा करेंगे कि सूर्य नाड़ी के लाभ क्या है। कमर सीधी करके बैठे और स्वर को चेक कर लें, कौन सा स्वर जागृत है। जिस स्वर को आप बदलना चाहते हैं उस स्वर को ऊपर की ओर रखें जिसको आप खोलना चाहते हैं, और खुले स्वर को नीचे की ओर रखें। जैसे मेरा अभी बायां स्वर खुला है, दायां स्वर बंद है, तो मैं दायां स्वर को खोलने के लिए बाईं ओर झुका हूं। और लंबी गहरी सांस लेनी है आपने, और इसी प्रकार से अपने कान को कंधे के पास लाने का प्रयास करें तो आप दूसरी तरफ से भी अपने स्वर को बदल पाएंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, बस यही अभ्यास करना है। और दोनों नासिकाओं से लंबी सांस लें और छोड़ दें। दूसरी विधि जो कि सबसे आसान विधि है, भूमि पर सीधे लेट जाएं और एक हाथ को अपने सिर के नीचे लगाएं, एक साइड के नीचे लेट जाएं। जो स्वर आप खोलना चाहते हैं उस नासिका को ऊपर की ओर रखें, अर्थात जो स्वर बंद है वो ऊपर रहेगा, जो खुला है वो नीचे रहेगा। और दो या तीन मिनटों में यह परिवर्तन आप देखेंगे, जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा यह समय भी कम होता जाएगा। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास बाहर निकालें। अब आप बैठकर अपना श्वास, अपना स्वर चेक कर सकते हैं, यह परिवर्तित हो गया है। अब हम इसे दोबारा परिवर्तित करेंगे। एक तरफ लेटकर लंबी गहरी श्वास लेनी है, लंबी गहरी श्वास को बाहर निकालना है। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, श्वास के प्रवाह को अंदर आने दें और बाहर जाने दें।
इसी प्रकार लगभग 2 से 3 मिनट का समय जो लगेगा आपका स्वर परिवर्तित हो जाएगा। फिर बैठकर अपना स्वर दोबारा चेक करें या बदल गया। आप दोबारा आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं। एक और विधि जो कि थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, जब आपको थोड़ा अभ्यास हो जाएगा तब आप उसको कर पाएंगे। सीधे बैठकर कमर सीधी रखें, दोनों हाथों को घुटनों पर लगाएं और अपने मन में ध्यान करें कि आप अपने सूर्य स्वर को खोलना चाहते हैं, क्योंकि सूर्य स्वर अभी बंद है तो उसे खोलने का प्रयास करते हैं। आपने दाई स्वर दाई तरफ की अपनी जाड़ को थोड़ा सा दबाना है, दाई जाड़ को दबाना है और पूरी शक्ति से दाई स्वर से श्वास भीतर आ रहा है ऐसी कल्पना करनी है। जैसे जैसे आपकी कल्पना बलवती होती जाएगी वैसे वैसे आपका दाया स्वर खुलता जाएगा। बिना शरीर को कहीं से भी हिलाए, कहीं से भी झुकाना नहीं है, सिर्फ एक जाड़ को दबाना है जिस स्वर को आप खोलना चाहते हैं उसको, और इसी प्रकार से परिवर्तन कर दें। बाई जाड़ को दबाएंगे और बाएं नासिका से चंद्र स्वर से श्वास भीतर आ रहा है ऐसी कल्पना करेंगे तो चंद्र स्वर थोड़ी देर में जागृत हो जाएगा। लेकिन यह तब होगा जब आप पहले जो आसान विधियां आपको बताई उनका आपका अभ्यास अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि यह थोड़ी एडवांस लेवल की विधि है तो इसको हो सकता है थोड़ा सा आपको समय लग जाए अचीव करने के लिए। तो ये 3 सबसे सरल विधियां हैं स्वर को परिवर्तित करने की। तो अब आप अच्छे से ठीक से समझ गए हैं कि सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी तक जाने की यात्रा किस प्रकार की है और चंद्र से सूर्य को कैसे परिवर्तित किया जाए। तो आप जानते हैं हम कि सूर्य नाड़ी के प्रयोग क्या क्या हैं। सूर्य नाड़ी के प्रयोग 2 तरह के हैं। पहला प्रयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से, दूसरा प्रयोग लाभ की दृष्टि से, तीसरा प्रयोग भी है एक जो ज्यादा लोग